स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आपको पता है कि हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, एंड इसमें हमने बिजनेस के बारे में बहुत सी चीजें देखनी है। तो यहाँ पे क्या हम कर रहे थे, बिजनेस की जो दो क्लासिफिकेशन है, दो ब्रांचेस हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उनके बारे में स्टडी हो रही थी। एंड लास्ट वीडियो में आपका कॉमर्स स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो कॉमर्स जो टर्म है वो कहाँ से आया है, वो बिजनेस की एक ब्रांच होती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपका बिजनेस होता है उसकी दो ब्रांचेस हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज आपकी होती हैं वो या तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी या फिर कमर्शियल एक्टिविटी होगी। तो अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आपने कई सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा ना, जिसमें बेसिकली तीन मेन थी आपकी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बेसिकली आपके कंसर्न थी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। गुड्स का जो प्रोडक्शन का काम था वो बेसिकली कहाँ पर आपके होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। उसके बाद जो आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री थी, उस टर्शियरी इंडस्ट्री को सर्विस सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। इस टर्शियरी इंडस्ट्री को सर्विस सेक्टर बोला जाता है। सर्विस सेक्टर क्यों बोला जाता है, बिकॉज टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस आपको पता ही है। यही तो चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो नॉर्मल कंज्यूमर्स जो है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। अब ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, सर्विस सेक्टर है, तो यही आपका कॉमर्स है। ये जो सर्विस सेक्टर है यही आपका कॉमर्स है। कैसे कॉमर्स है, तो ये हमने कॉमर्स में स्टार्ट करा था। कॉमर्स आपकी क्या होती है, कॉमर्स बेसिकली इसके कई सारे फंक्शन है, ठीक है। इंडस्ट्री जो है और कॉमर्स, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं और रिलेटेड भी है, ठीक है। जब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम हो जाता है, तो उस प्रोड्यूस्ड गुड को, जो गुड उन्होंने बनाया है, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, जिन एक्टिविटीज का यूज करते हैं बिजनेसमैन, उन एक्टिविटीज को कॉमर्शियल एक्टिविटीज या कॉमर्स के अंदर क्लासिफाई करा गया है, ठीक है। तो कॉमर्स में हमने ये देखा था कि अब ये शुरू क्यों हुआ था, बिकॉज प्रोड्यूसर जो था उसको कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी, और क्योंकि वो क्या करना था, उसको अपने गुड को पहुंचाना था कंज्यूमर के पास। इस प्रोसेस में उसके सामने जो वेरियस टाइप के हिंड्रेंसेज आए, वेरियस टाइप के प्रॉब्लम्स आई, उनको सॉल्व करने के लिए नए टाइप की एक्टिविटीज बनाई गई। वो नई नई एक्टिविटीज अभी भी यूज होती है और होती रहेगी, बिकॉज उस पर पूरा बिजनेस भी डिपेंड करता है एंड नॉर्मल पीपल आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन देम। तो वो एक्टिविटीज जो है उन्हीं को क्लासिफाई करा गया कॉमर्स में, ठीक है। तो कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है, कॉमर्स में कई सारे हिंड्रेंसेज रिमूव करे गए हैं। किसके हिंड्रेंसेज, प्रोड्यूसर के हिंड्रेंसेज। जो प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसर को हुई थी अपने गुड को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो वो कई सारे हिंड्रेंसेज थे। और ये कौन कौन से हिंड्रेंसेज थे, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। कई सारे हिंड्रेंसेज थे, और उन हिंड्रेंसेज को, या फिर जनरल टर्म में आप इसको बोलते हो प्रॉब्लम्स को, इन प्रॉब्लम्स को, या फिर अगर और भी कोई टर्म आप यूज करो तो ऑब्स्टिकल्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टर्म्स यूज हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स अगर आप बोलो, या प्रॉब्लम्स बोलो, या हिंड्रेंसेस बोलो। तो इन चीजों को दूर करने के लिए जो एक्टिविटी बनाई गई वो कमर्शियल एक्टिविटीज थी। क्या क्या हिंड्रेंसेस थे, हिंड्रेंसेस में हमने कई सारे पढ़े थे, जैसे पर्सन का हिंड्रेंस, देन प्लेस का हिंड्रेंस, टाइम, नॉलेज, फिर आपका एक्सचेंज का हिंड्रेंस था। तो ऐसे करके कई सारे प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसर के सामने आई थी, और उसको क्या था, उन प्रॉब्लम्स को दूर करना था, ठीक है। तो ये कॉमर्स के अंदर जो एक्टिविटीज आएंगी वो भी इन्हीं हिंड्रेंसेस को दूर करती है, एंड वो बिजनेस का ही पार्ट है पूरा, ठीक है। क्योंकि प्रोड्यूसर का तो बिजनेस ये भी है कि उसे उस गुड को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अब ये जो हिंड्रेंसेस थे, क्या हिंड्रेंसेस होते हैं, लास्ट वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए जो कॉमर्स में एक्टिविटी बनाई गई है, जो कॉमर्स के अंदर आती है एक्टिविटीज, वो क्या क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कमर्शियल एक्टिविटीज वो कौन कौन सी है, या फिर कॉमर्स का क्या क्लासिफिकेशन है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज है, तो उसमें आप उन्हीं एक्टिविटीज के बारे में लिखोगे जो इन हिंड्रेंसेज को दूर करती है। हिंड्रेंसेज अलग टॉपिक है, हिंड्रेंसेज आपको तब बताने जब आपसे पूछा जाएगा कॉमर्स का रोल क्या है, कॉमर्स का काम क्या है। कॉमर्स का काम है हिंड्रेंसेज को दूर करना, कॉमर्स का क्लासिफिकेशन है वो एक्टिविटीज जो इन हिंड्रेंसेज को दूर करती है, ठीक है। तो रोल ऑफ
कॉमर्स हो चुका था, हिंड्रेंसेस हमने देख लिए। अब इन्हीं हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए जो एक्टिविटीज है उनको डिटेल में इस वीडियो में देखा जाएगा। तो अगर हिंड्रेंसेस की हम लोग बात करें तो पहला हिंड्रेंस आपका आता था हिंड्रेंस ऑफ पर्सन आपका सबसे फर्स्ट था। ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को दूर करने के लिए क्या हुआ था, एक एक्टिविटी बनाई गई जिसका नाम था ट्रेड। ठीक है, ट्रेड बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा आपका हिंड्रेंस था हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, और इसको दूर करने के लिए बनाई गई ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। थर्ड आपका हिंड्रेंस था हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम का हिंड्रेंस ये दूर करा वेयर हाउसिंग ने। उसके बाद आपका आता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, इसके लिए आपकी आई बैंकिंग। उसके बाद आपका हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, और इस हिंड्रेंस को दूर करने के लिए आई एडवर्टाइजिंग। ठीक है, पर्सन प्लेस टाइम एक्सचेंज नॉलेज, तो बेसिकली आपके इतने हिंड्रेंसेस थे। और उसके अलावा आपका एक और आता है रिस्क, रिस्क फैक्टर जो बिजनेस में प्रेजेंट होता है उसको दूर करने के लिए आई इंश्योरेंस। सो ये ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ये क्या है, ये है कमर्शियल एक्टिविटीज, ये है कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, अब कमर्शियल एक्टिविटीज इसका मतलब है कॉमर्स के जो फंक्शंस है, कॉमर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो ये आपकी एक्टिविटीज है। ठीक है, अब इसमें आपने देखा एक टर्म ट्रेड है और बाद में ये सारी चीजें। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड आपने देखा था ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है, मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो गैप है, जो उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है उसको रिमूव करता है ट्रेड। ट्रेड का क्या काम होता है, ट्रेड जो करते हैं उन लोगों को ट्रेडर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्शन करेगा तो उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, कोई कंज्यूम करेगा तो उसको कंज्यूमर बोलते हैं। जो ट्रेड करते हैं उनको ट्रेडर्स कहते हैं। तो ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का कॉन्टैक्ट करवाते हैं। ठीक है, ये ट्रेडर्स होते हैं जो इनको लिंक करते हैं, एक प्रोड्यूसर को एक कंज्यूमर से और एक कंज्यूमर को एक प्रोड्यूसर से लिंक करते हैं। तो ट्रेडिंग जो ट्रेड है ये बेसिकली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिला देता है, जिससे कि प्रोड्यूसर अपने गुड को कंज्यूमर को सेल कर सकता है। तो ट्रेड करना था प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को जो काम करना था वो ये था कि उसको ट्रेड करना, उसको अपने गुड को पहुंचाना है कंज्यूमर के पास। अब ये पहला तो जो ऑब्स्टिकल था वो ट्रेड ने रिमूव कर दिया। अब इस प्रोसेस में, इस ट्रेड के प्रोसेस में जो बेसिकली पूरा बिजनेस है बाइंग एंड सेलिंग का, इस प्रोसेस के अंदर जो बाकी हिंड्रेंसेस पड़े इनको नाम दे दिया गया एक अलग सा। इन जो आपके बाकी एक्टिविटीज है ट्रेड के अलावा इन्हें बोला गया एड्स टू ट्रेड, और एक और टर्म है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मतलब है, एड मतलब हेल्प करना, तो ट्रेड की हेल्प करती है ये एक्टिविटीज। हेल्प कैसे करती है, ट्रेड आपका हो रहा है जो बेसिक पूरा एक्सचेंज होना है। बिजनेस की डेफिनेशन में क्या था, सेल एंड एक्सचेंज। तो सेल एंड एक्सचेंज का काम ट्रेडर्स आपका करवा देते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर का, लेकिन वो सेल एंड एक्सचेंज, ट्रेड जो होता है ना आपकी ट्रेड, ट्रेड की डेफिनेशन अभी आप पढ़ोगे जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो ट्रेड में क्या होता है ना उसका मतलब ये होता है सिंपल बाइंग एंड सेलिंग होना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का मिलना। अगर बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है तो ट्रेड हो जाता है। तो ये जो आपका ट्रेड हो रहा है, अब इस ट्रेड में जो बीच में हिंड्रेंसेस आएंगे, प्लेस का, टाइम का, एक्सचेंज का, नॉलेज का, इसका ये कौन रिमूव करती है, ये एक्टिविटीज, और इससे इन एक्टिविटीज को बोला जाता है कि ये ट्रेडर्स को, ये ट्रेड वाली एक्टिविटी को, ट्रेडिंग एक्टिविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज थी उनके फिर से दो क्लासिफिकेशन करे गए थे, एक तो ट्रेड जो पूरा ट्रेड आपको कॉन्स्टिट्यूट करता है, और बाकी कमर्शियल एक्टिविटीज को एड्स टू ट्रेड बोला जाता है। एंड अगर आप देखो तो ये जो बाकी कमर्शियल एक्टिविटीज है जो एड्स टू ट्रेड है,
ये क्या है आपका, यही आपका टर्शियरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री का जो थर्ड क्लासिफिकेशन था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जो आपका टर्शियरी था जिसे सर्विस सेक्टर बोला जाता है, उसमें इन्हीं सर्विसेज के बारे में आपको बढ़ाया गया था। सो जो आपके एड्स टू ट्रेड होते हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, वही आपका टर्शियरी सेक्टर होता है। ये चीजें जो हो रही है, क्या ये गुड है? देखो ये जितनी भी चीजें हो रही है, या तो गुड होंगी या सर्विस होंगी। क्या ये गुड है? गुड नहीं है, बिकॉज आप ट्रांसपोर्टेशन को, वेयर हाउसिंग को, बैंकिंग को देख नहीं सकते हो। ये सर्विसेज होती हैं, जैसे टीचर को आप देख सकते हो बट टीचिंग को आप नहीं देख सकते हो, ठीक है? तो सर्विसेज प्रोवाइड करना जो है, जो ये सर्विसेज है, बिकॉज सर्विस और गुड्स में यही डिफरेंस है। गुड्स को आप देख सकते हो, दे आर टैंजिबल, उनको फील कर सकते हो, उन्हें टच कर सकते हो, बट जो इनटैंजिबल चीजें हैं, सर्विसेज है, उनको ना ही देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। तो ये आपके सर्विसेज होते हैं और ये सर्विस सेक्टर है। तो टर्शियरी या सर्विस सेक्टर में इसी के बारे में लिखोगे आप। कॉमर्स में जो एड्स टू ट्रेड है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, उसमें भी आप इन्हीं एक्टिविटीज के बारे में लिखोगे। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या है? फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में यही लिख दोगे, कॉमर्स की क्लासिफिकेशन यही लिख दोगे आप। लेकिन कॉमर्स का रोल क्या है, वो क्या रोल करता है, उसका रीजन क्या है कॉमर्स को लाने का, नीड क्या है कॉमर्स की, इन हिंड्रेंसेस को रिमूव करना। तो इन सारी टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस बता दूं, बिकॉज क्वेश्चन में वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा क्या जा रहा है आपसे, आपको आंसर आता है बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉमर्स का रोल बताओ एंड आपने उसके फीचर्स बता दी, आपने उसकी एक्टिविटीज बता दी, तो आपको कुछ नहीं नंबर मिलेगा। तो इसलिए टर्म्स को समझना बहुत जरूरी होता है। और एक चीज के लिए कॉमर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि एड्स टू ट्रेड को ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। तो कुछ भी आ जाए बट आपको पता है एड्स टू ट्रेड क्या है। अब एड्स टू ट्रेड में आपको ट्रेड को नहीं डिफाइन करना है, एड्स टू ट्रेड में आपको इन एक्टिविटीज को डिफाइन करना है, ठीक है? तो ये एक्टिविटीज जो बेसिकली है, ये एड्स टू ट्रेड है एंड ट्रेड आपका अलग है। सारी एक्टिविटीज कमर्शियल है, कमर्शियल एक्टिविटीज का दो क्लासिफिकेशन हो गया, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो इतनी चीजें इसमें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कॉमर्स में जो ये एक्टिविटीज है ये कहाँ से आई है, ठीक है? अब एक एक करके ये जितने ट्रेड है एंड एड्स टू ट्रेड है उनको देखा जाएगा। तो फर्स्ट कमर्शियल एक्टिविटी जो आपने देखी वो थी ट्रेड की, फर्स्ट आपकी है ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है, सबसे पहले जान लो ये हिंड्रेंस रिमूव करता है पर्सन का। अब हिंड्रेंस अगर आपको पता चल गया कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन ये रिमूव करता है, मतलब क्या करता है, यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर बैठा है। प्रोड्यूसर क्या है, उसने प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में, किसी का भी हो सकता है प्रोड्यूसर, और उसने क्या करा है, गुड को प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है? इसने गुड को प्रोड्यूस कर दिया है और इसका यहाँ पर कंज्यूमर बैठा है, ठीक है? कंज्यूमर क्या है, जो गुड्स को कंज्यूम करेगा, कंज्यूम मतलब गुड्स को यूज करेगा, ठीक है? कंज्यूमर में एंड कस्टमर में एक फर्क होता है जो आपको पता होना चाहिए। देखो कंज्यूमर क्या है और कस्टमर क्या है, कंज्यूमर एंड कस्टमर। देखिए ये एक पर्सन है, ठीक है, एंड ये एक उनका पर्सन है, इनको आप मिस्टर ए बोल दो, इनको आप मिस्टर बी बोल दो, और ये एक शॉप है, बहुत ही छोटी सी शॉप है, प्यारी सी, ये आपका जनरल स्टोर टाइप की शॉप है, और ये यहाँ पर आए मिस्टर ए, यहाँ पर गए, उन्होंने बोला, इनको क्या करा, उन्होंने यहाँ से कुछ बुक्स खरीदी, ठीक है, उन्होंने यहाँ से कुछ बुक्स खरीदी, बुक्स वो खरीद के गए और घर ले जाकर उन बुक्स को वो पढ़ने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसने बाय करा गुड को, जिसने बुक्स को परचेज करा, घर में जाके वही उस बुक को रीड कर रहा है, ठीक है? दूसरा केस ले लो, इन्होंने बुक की जगह इस बार बाय करी, इन्होंने बुक की जगह बाय करी एक ब्रेड, इन्होंने ब्रेड ली, ये घर गए, इन्होंने कंज्यूम कर लिया। ब्रेड क्या है, कंज्यूमर गुड है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिनको आप तुरंत परचेज करते हो, तुरंत कंज्यूम करते हो। मिस्टर ने खरीदी, घर जाकर उन्होंने उसको कंज्यूम कर ली और इनका प्रोसेस खत्म, ठीक है? तो ये क्या है, यहाँ पर ये कस्टमर तो है ही है, कस्टमर वो होता है जो गुड को परचेज करता है, खरीदता है, एंड वो कंज्यूमर भी है बिकॉज गुड्स को यूज भी यही कर रहे हैं, खा भी रहे हैं उस ब्रेड को, परचेज भी कर रहे, तो ये कस्टमर भी है, कंज्यूमर भी है। अभी अगर क्या हो, ए आए यहाँ से ब्रेड परचेज करने, ठीक है, ए यहाँ पर ब्रेड परचेज करने आए और वो ब्रेड ले जाकर घर जाके, ये इनका सन है या डॉटर है जो भी हो सकता है, और इन्होंने इसको दे दी और ये ब्रेड क्या करी, इसने खा ली, इसने कंज्यूम कर ली ब्रेड को। तो यहाँ पर क्या बी गया था शॉप पे परचेज करने, नहीं, बी ने परचेज नहीं करा, परचेज करा है ए ने, इस केस में भी परचेज ए ने करा है,
तो ए ही आपका कस्टमर होता है, ठीक है, ए ही आपका कस्टमर है, लेकिन जो ब्रेड परचेज करी गई है इसको कंज्यूम करा है बी ने, जो ब्रेड कंज्यूम करी परचेज करी गई थी ए ने जो खरीदी थी ब्रेड वो कौन खा रहा है, वो खा रहा है बी, तो कंज्यूमर यहाँ पर बी है। तो कस्टमर में और कंज्यूमर में यही फर्क होता है, कस्टमर वो होता है जो गुड आपका क्या करता है, परचेज करता है, और कंज्यूमर वो होता है जो गुड को कंज्यूम करता है, यूज करता है। अब जरूरी नहीं कि वो ईटेबल गुड ही हो, अगर ब्रेड है तो वो उसको ईट करके यूज करेंगे, अगर बुक है तो वो उसको रीड करेंगे तो वो कंजम्पशन हो जाएगा, अगर पेन है तो जब वो उससे लिखेंगे तो वो कंजम्पशन हो जाएगा। तो डिपेंड करता है किस टाइप का गुड है और उसको जिस तरह से भी यूज किया जाता है वो कस्टमर या कंज्यूमर पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स से बोलते, आपने अपने फादर से बोला कि आपको जो है कुछ खाने का मन है और वो बाहर से जाकर ले, तो जब वो जाएंगे परचेज करके लाएंगे तो कस्टमर वो है उस शॉपकीपर के लिए, कस्टमर वो है, पर कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर आप हो, क्योंकि घर पे आके आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो कस्टमर एंड कंज्यूमर में ये डिफरेंस होता है, कस्टमर और कंज्यूमर एक पर्सन भी हो सकता है, जैसे एक ने परचेज करा वो कस्टमर हो गए, उन्होंने ही कंज्यूम कर दिया वो कंज्यूमर भी हो गए, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कस्टमर एंड कंज्यूमर आर डिफरेंट टर्म्स, ये आपको पता होना चाहिए, कस्टमर एंड कंज्यूमर आर डिफरेंट टर्म्स, ये आपको इस चीज में पता चाहिए, बिकॉज जनरल पीपल जो है वो क्या करेंगे, कस्टमर और कंज्यूमर को एक ही तरह यूज करेंगे, पर एक चीज नहीं होती है। तो ये क्या है, यहाँ पर प्रोडक्शन का काम हो चुका, हम लोग ट्रेड पर आते हैं, तो प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, यहाँ कंज्यूमर है जो उसको कंज्यूम करेगा, तो इसीलिए कंज्यूमर बोला गया है, बिकॉज प्रोड्यूसर का फोकस वो पर्सन है जो गुड को यूज करेगा, जो गुड को कंज्यूम करेगा, नॉट द पर्सन जो परचेज करेगा, ये परचेज करने वाला भी हो सकता है, बट प्रोड्यूसर किसको दिमाग में लेके चलेगा, कंज्यूमर को, ठीक है, जो गुड्स को कंज्यूम करेगा। तो प्रोड्यूसर आपका ये है, कंज्यूमर ये है, तो पहले जो हिंड्रेंस आई थी पर्सन की, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यही कहती थी कि प्रोड्यूसर को नहीं पता है उनका कस्टमर कहाँ पर है, कस्टमर को नहीं पता है प्रोड्यूसर कहाँ है, ठीक है, तो इनके बीच में लिंक जो क्रिएट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स होते हैं जो इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट कर देते हैं। अब लिंक कैसे बना देते हैं, देखो ये पूरा प्रोसेस होता है, क्या होगा जब अगर आप एक अच्छे खासे फुल फ्लेज्ड बिजनेस की बात करो, इंडस्ट्री की बात करो या फैक्ट्री की आप बात करो, जिस फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर ये गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, ये प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा, प्रोडक्शन इसने करा खूब सारी चीजों का, तो क्या होगा ना, जब भी प्रोड्यूसर या बल्क में प्रोडक्शन करेगा, हमेशा प्रोड्यूसर फैक्ट्री में कोई एक पेंसिल तो नहीं बनाएगा, वो कई सारी पेंसिल्स बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल है आपकी पेंसिल्स का, इसने बहुत सारी पेंसिल्स बनाई है, इसके पास रखी है, ये क्या करेगा, सबसे पहले एक ट्रेडर को देगा, ठीक है, ट्रेडर को देगा, और फिर वो ट्रेडर उस कस्टमर तक उस पेंसिल को पहुंचा देगा। तो प्रोड्यूसर से ट्रेडर होता है, ट्रेडर से कस्टमर होता है, ठीक है, तो ये ऐसे लिंक बनता है। अब क्या है, यहाँ पर ट्रेडर एक टर्म लिखा गया, बट डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस है, और उस हिसाब से यहाँ पर एक दो तीन चार जितने चाहे उतने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रोड्यूसर और कस्टमर कितनी दूर पे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है कि अंदर बीच में कितने ट्रेडर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अभी जब कितने ट्रेडर्स की बात आती है, तो इसके लिए हमें पहले ट्रेड को समझना पड़ेगा। तो ट्रेड होता क्या है, बेसिकली ट्रेड का मतलब सिंपल सा है, बाइंग एंड सेलिंग का काम। अगर कोई पर्सन कहीं से परचेज करेगा, अगर ये एक शॉप है, ठीक है, और ये है मिस्टर ए, चलो मिस्टर ए का कुछ और नाम रख लेते हैं, मिस्टर ए का नाम मोनू रख देते हैं, ठीक है, ये मोनू है, ये गया शॉप पे और इसने क्या करा, शॉप से इन्होंने खरीदी, अब इन्होंने क्या खरीदी, इन्होंने खरीदे चिप्स का पैकेट, इनको चिप्स बहुत पसंद है, इन्होंने चिप्स खरीद लिया। अब क्या होगा कि इन्होंने अगर चिप्स खरीदी है तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने करा है बाय, इन्होंने चिप्स को बाय करा है ना, मतलब ये कौन हो गए, बायर हो गए या फिर कस्टमर हो गए। अब हमें नहीं पता है कि ये कंज्यूमर है कि नहीं, बिकॉज अभी तक इन्होंने चिप्स को कंज्यूम नहीं करा, तो ये बायर है कस्टमर है, इन्होंने क्या करा है बाय, मतलब इन्होंने बाइंग करी है, ये क्या है, बाइंग का प्रोसेस हो गया। जब इन्होंने बाय करी तो ये जो शॉपकीपर है इसने क्या करा, इस शॉपकीपर ने, जो अंदर शॉपकीपर बैठा हुआ है, ये चश्मे लगाने वाले शॉपकीपर भी है, बहुत ही गंदे लग रहा है, ये शॉपकीपर जो है इन्होंने सेल करा है। अगर कोई बाय करेगा तो एक सेल करेगा,
इन्होंने परचेज करा चिप्स, तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, मैंने चिप्स सेल करी, और बाय बोलेगा मैंने चिप्स खरीदी, मोनू बोलेगा मैंने चिप्स खरीदी, मैंने बाय करी। तो बाइंग एंड सेलिंग, अगर बाइंग होगी तो एक सेलिंग भी करेगा, ये एकदम जनरल सी बात है। तो यही बाइंग एंड सेलिंग आपका ट्रेड है, यही बाइंग एंड सेलिंग आपका ट्रेड है। ट्रेड को और अगर डिटेल में डिफाइन करो तो ये जो है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है, ये आपको पता चल गया। कैसे रिमूव करता है, ये प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक बना देता है, एक लिंक क्रिएट कर देता है, जिससे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इनको कनेक्ट करता है। तो ये एक्टिविटी आपकी ट्रेड होती है। अब होता क्या है, ट्रेड भी दो टाइप का होता है, जो आपका ट्रेड होता है ये भी आपका दो टाइप का होता है। ट्रेड के भी आपके दो टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है इंटरनल ट्रेड और एक आपका होता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब ये इंटरनल ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या है। इंटरनल का क्या मतलब है, इंटरनल मतलब अंदर, एंड एक्सटर्नल का मतलब है बाहर भी इन्वॉल्व है। तो इंटरनल क्या होता है, इंटरनल अगर हम बात करें इंटरनल ट्रेड की, तो इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड है, जैसे ये आपकी है इंडिया, ठीक है, ये आपकी इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया की ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर अगर प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर जब सेल करेगा और कंज्यूमर जब बाय करेगा, तो वो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही है दोनों इन्वॉल्व, दोनों पार्टीज एक उस कंट्री की बाउंड्री के अंदर है, जिस कंट्री में वो रहते हैं उसी के अंदर हो रहा है, ये बाइंग भी हो रही है सेलिंग भी हो रही है, मतलब ट्रेड हो रहा है। तो ये आपका होता है इंटरनल ट्रेड। अगर बायर्स एंड सेलर्स दोनों एक ही कंट्री के अंदर मौजूद है और बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, तो वो इंटरनल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या कहता है, प्रोड्यूसर जो ये इन्होंने इस कंज्यूमर को सेल करी, जो कि हमारा फिर से वही मोनू था, अब क्या है इन्होंने सेल कर दिया इस कंट्री के बाहर। प्रोड्यूसर ने इंडिया के बाहर एक कस्टमर है जिसका नाम है सोनू, उसको इन्होंने सेल कर दिया, ठीक है, इसके बाहर है थोड़े से, इसको सेल कर दिया। तो यहां पे प्रोड्यूसर ने सेलिंग का तो काम करा और जो कस्टमर है सोनू, इसने परचेज का काम करा, इसने बाय करा। बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, मतलब ट्रेड हो रहा है, लेकिन कहां हो रही है, कंट्री की जो बाउंड्री है उसके बाहर। बायर एक जगह है, बायर बाहर प्रेजेंट है और सेलर जो है वो अंदर प्रेजेंट है कंट्री के। तो यहाँ पे सिंस बाइंग एंड सेलिंग का काम जो कंट्री की बाउंड्रीज है उनके बाहर हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। तो इंटरनल ट्रेड कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर, एक्सटर्नल ट्रेड कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर, ये होता है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब क्या है, ये जो इंटरनल ट्रेड आपका होता है ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, अब इंडिया कोई छोटा सा तो है नहीं, अगर आप केवल इंडिया की बात करो तो छोटा सा तो है नहीं। प्रोड्यूसर दिल्ली में प्रेजेंट हो सकता है और कस्टमर आपका मुंबई में, ठीक है, प्रोड्यूसर ईस्ट में है, कस्टमर आपका वेस्ट में है, तो क्या इतनी दूर जाने के लिए केवल एक ट्रेडर काफी है, मतलब एक ट्रेडर काफी है, वो क्या करे, वो प्रोड्यूसर से जाके बात करे, उससे सामान लेकर आए और कस्टमर को दे दे। ट्रेडर का काम ही यही था, ट्रेडर का काम क्या था, ट्रेडर का काम यही था प्रोड्यूसर से सामान खरीदो, कस्टमर को बेचो। तो क्या एक ही ट्रेडर इन्वॉल्व हो और काम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, एक से ज्यादा ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं और इन ट्रेडर्स को हम बोलते हैं मिडिलमैन। मिडिलमैन, मिडिलमैन मतलब मिडिल, बीच में, मैन, तो बीच में जो लोग आ रहे हैं किसके बीच में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में, उसको हम बोलते हैं मिडिलमैन, या इंटरनल ट्रेड के अंदर जो ट्रेडर्स इन्वॉल्व है वो। तो इंटरनल ट्रेड में कितने ट्रेडर्स इन्वॉल्व है, ये आपका प्रोड्यूसर है ये वाला, और ये कस्टमर है, प्रोड्यूसर क्या करेगा ना, प्रोड्यूसर सबसे पहले एक पार्टी को बेचेगा गुड्स, जिसका नाम होता है होलसेलर। होलसेलर क्या होता है, होलसेलर भी एक ट्रेडर है, पहली बात तो ये होलसेलर भी एक ट्रेडर है, क्यों, बिकॉज ये भी प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में लिंक बनाने में काम आ रहा है, ये भी वो काम कर रहा है जिससे प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में लिंक बनेगी, सो ये ट्रेडर हो गया। होलसेलर क्या करता है ना, होलसेलर इस प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है। अब आपको पता है प्रोड्यूसर ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाए हुए अपने गुड्स, उसने पेंसिल्स प्रोड्यूस करी है जो कि फॉर एग्जांपल 100,000 पेंसिल्स है, ठीक है, 100,000 पेंसिल्स उन्होंने प्रोड्यूस करी है। अभी जो होलसेलर है, होलसेलर प्रोड्यूसर से बल्क में पेंसिल खरीद लेगा,
बल्क का क्या मतलब होता है? बल्क का मतलब होता है थोक में, आपने सुना होगा, ठीक है, थोक में समझ। थोक का मतलब क्या है? बहुत लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में। जो आपका होलसेलर है वो प्रोड्यूसर से बल्क में खरीद लेगा पेंसिल्स। अब अगर 1,00,000 पेंसिल प्रोड्यूसर ने बनाई है तो हो सकता है ये 20,000 पेंसिल्स परचेज कर ले। होलसेलर ने 20,000 पेंसिल्स परचेज किए। अब ये बल्क क्यों है? बिकॉज क्या आप शॉप पे जाके 20,000 खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, ठीक है। 20,000 पेंसिल्स मतलब बल्क में होलसेलर ने प्रोड्यूसर से परचेज कर ली। होलसेलर जब प्रोड्यूसर से परचेज करता है ना, तो जनरली बल्क में परचेज करता है, बल्क में ही परचेज करता है। होलसेलर हमेशा बल्क में ही परचेज करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने बल्क में सेल कर दी होलसेलर को, होलसेलर ने बल्क में बाय कर लिया उस गुड को। अब क्या होगा, होलसेलर इसके बाद फिर कस्टमर तो अभी भी दूर है। होलसेलर को पता है मैं तो अब कस्टमर और एक कस्टमर तो है नहीं, कई सारे कस्टमर है। तो वो सोचता है काम करता हूँ, एक बीच में और एक पर्सन को, एक ट्रेडर को इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर अब बेचेगा रिटेलर को। अब ये रिटेलर कौन आ गया, रिटेलर भी एक नया ट्रेडर आ गया, ये भी आपका ट्रेडर है। बिकॉज ये भी आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है। ट्रेडर रिटेलर भी होता है, लेकिन रिटेलर और होलसेलर में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब रिटेलर जब होलसेलर से परचेज करेगा ना, तो वो इतना बल्क में नहीं परचेज करेगा। बल्क में रिटेलर नहीं परचेज करेगा जितने बल्क में होलसेलर परचेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिटेलर आपका होलसेलर से केवल 5,000 पेंसिल्स परचेज करेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है वो किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। रिटेलर जनरली कम क्वांटिटी में, होलसेलर के कंपैरिजन में कम क्वांटिटी में परचेज करता है गुड को। अब देखो ये लिंक बन रहा था। अब आप हो सकता है आप पूछो कि रिटेलर ने प्रोड्यूसर से क्यों नहीं परचेज करा? काम ये था कि हमें प्रोड्यूसर और कस्टमर को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर और कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए रिटेलर होलसेलर से परचेज करेगा। अगर वो प्रोड्यूसर से परचेज कर देगा तो होलसेलर का क्या काम? ये बीच में लिंक बना रहे हैं जिससे आसानी से, अगर ये बहुत बहुत दूर पे डिस्टेंस पे है प्रोड्यूसर कस्टमर, तो उनके बीच में आसानी से लिंक बन जाए। तो प्रोड्यूसर से होलसेलर खरीदता है, फिर होलसेलर उस गुड को रिटेलर को बेच देता है। फिर रिटेलर ने क्या करा, आपको पता है, रिटेलर ने होलसेलर से कम क्वांटिटी में खरीदा, नॉट इन बल्क, बल्क में नहीं। अब आप बोलोगे 5,000 भी बल्क में, तो इतना बल्क में नहीं खरीदा जितना होलसेलर ने खरीदा था। होलसेलर से अगर आप कंपेयर करो तो होलसेलर ने 20,000 खरीदी थी पेंसिल्स, लेकिन रिटेलर ने 5,000 खरीदी। तो हमेशा रिटेलर होलसेलर से जो परचेज करता है वो क्वांटिटी कम होती है इन कंपेरिजन टू द क्वांटिटी जो होलसेलर ने प्रोड्यूसर से परचेज करी थी। तो यहाँ पर रिटेलर ने 5,000 पेंसिल्स परचेज करी, अब ये कस्टमर को देगा, अब ये कस्टमर को सेल करेगा। कैसे भाई? अब कस्टमर कोई एक तो है नहीं, कस्टमर कई सारे हो सकते हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा चलता रहेगा। तो अब ये जो 5,000 पेंसिल रिटेलर के पास है उसमें से ये कस्टमर्स को देगा। तो अब आप बताओ, जब कस्टमर यहाँ रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर क्या है? जो आपके नॉर्मल स्टोर्स हैं आपके आसपास, जो शॉप्स हैं, स्टेशनरी स्टोर हो गया, ग्रोसरी स्टोर हो गया, क्लोथिंग स्टोर हो गया, ये रिटेलर्स होते हैं, इन्हीं को रिटेलर बोला जाता है। जहां पे जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, इसको क्या बोलते हैं? अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर, बिकॉज ये वो लास्ट कंज्यूमर है, मेन कंज्यूमर है जिसके लिए गुड बनाया गया था। तो अल्टीमेट कंज्यूमर जिस शॉप से, जिस जगह से परचेज करेगा वो रिटेलर हो जाता है। तो अब रिटेलर क्या है, रिटेलर के पास कस्टमर जाएगा और उसको जो है आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि रिटेलर ही तो हमारे आसपास है, हमें आसपास होलसेलर्स नहीं दिखेंगे बहुत सारे, और हमें आसपास प्रोड्यूसर। तो जितना देखो, अगर आप खुद सोचो तो रिटेलर स्टोर, रिटेल स्टोर, रिटेलर जो यहाँ काम करता है वो रिटेल स्टोर हो जाता है। तो जो रिटेलर स्टोर, रिटेल स्टोर हमारे आसपास है वो कई सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आप होलसेल स्टोर की बात करो तो ऐसे नहीं कि आपको हर जगह होलसेलर के स्टोर दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे, सिटी में बहुत कम होते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूसर की बात करो, जहां प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो वो बहुत कम आपको दिखेगा, क्योंकि क्या है, ये दूर होते जा रहे हैं। अगर कस्टमर से देखो तो ये सबसे पास रिटेलर है, उससे दूर होलसेलर और उससे दूर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की बात करो तो उसके पास होलसेलर, फिर रिटेलर, और यहाँ पे इतने दूर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो ये गैप को, ये जो कनेक्शन बनाने के लिए बीच में होलसेलर है, रिटेलर है। तो अब रिटेलर, जब अब रिटेलर आ गया, तो रिटेलर का आपको पता है उसने होलसेलर से खरीदा, बल्क में नहीं खरीदा, कम क्वांटिटी में खरीदा इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी जिसमें होलसेलर ने परचेज करा था। अब जब कस्टमर रिटेलर के पास जाएगा, तो कस्टमर भी रिटेलर से
कम क्वांटिटी में खरीदेगा, लेस क्वांटिटी में खरीदेगा, ठीक है। कस्टमर हो सकता है अगर ए जा रहा है तो वो रिटेलर से 5 पेंसिल्स खरीद रहा हो, बी जा रहा है उसने 12 पेंसिल्स खरीदी, सी जा रहा है उसने बस एक ही पेंसिल खरीदी, क्योंकि जब हम वो कस्टमर कौन है, ये हम लोग हैं, हम कंज्यूमर्स हैं जो जाके शॉप से परचेज करते हैं सामान को। आप जाते हो तो आप बहुत सारी पेंसिल्स नहीं लाते हो, आपने एक खरीदी दो खरीदी। एक और चीज कस्टमर की या कंज्यूमर की एक और क्वालिटी होती है कि कस्टमर जो है जब भी कोई कम का सामान खरीदेगा, कोई गुड खरीदेगा या कोई सर्विस लेगा, तो वो हमेशा खुद के कंजम्पशन के लिए होगा। इसका मतलब क्या है, खुद यूज करने के लिए ही होगा, सेलिंग के लिए नहीं होगा, सेलिंग के लिए कभी भी नहीं होगा। कस्टमर जब कोई सामान खरीदेगा तो वो हमेशा खुद के कंजम्पशन के लिए होगा। अगर कस्टमर ने सामान खरीदा एंड वो उसके खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो उस सामान को अगर खुद नहीं कंज्यूम करेगा, तो इसका मतलब वो उसको सेल कर देगा। अगर वो सेल कर रहा है तो वो पर्सन कस्टमर नहीं होता है।